गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग देखना चाहते हैं सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। समतल में गति चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग सदिश चैप्टर पढ़ रहे हैं अगर आप किसी और बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ सदिश वाला पोर्शन करेंगे, समतल में गति का कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर समतल में गति पढ़नी है तो हम लोगों को उसके पहले एक विमीय गति या सरल रेखा में गति इसको भी पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन जो फिजिक्स में है, इसे कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, तो उसे हम लोग कंप्लीट करने की ओर मूव कर रहे हैं। तो अभी इसलिए हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन कुछ दिनों तक आप कंटिन्यू करेंगे, जब मैथमेटिकल पोर्शन सीख लेंगे तो फिजिक्स आगे कंटिन्यू होगी। तो उसी में हम लोग देख रहे हैं सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। क्या टॉपिक है बेटा? सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। जैसे अगर माना कोई दो सदिश A और B हैं, जिनका ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर सदिश गुणनफल। क्या बोलते हैं बेटा? सदिश गुणनफल। तो अगर A क्रॉस B करते हैं तो क्या होता है, A का परिमाण B का परिमाण इंटू साइन थीटा। क्या होता है बेटा? इंटू साइन थीटा। लेकिन अब ये सदिश है तो इधर बराबर के इधर ये दोनों सदिश हैं, उनका गुणनफल सदिश आना चाहिए। लेकिन ये अदिश है, ये अदिश है और ये भी अदिश है। अदिश क्यों है? ये वैसे तो सदिश था लेकिन परिमाण उसका अदिश है। ये भी सदिश था, उसका भी परिमाण अदिश है और ये एक संख्या है तो ये अदिश होगा। तो इसके लिए दिशा का प्रदर्शन करना है तो हमने एन कैप ले लिया। एन कैप क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी की दिशा। एन कैप क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी की दिशा। तो ए क्रॉस बी से की दिशा को एन कैप प्रदर्शित करता है। तो ऐसे बोलिएगा परिभाषा, जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर प्राप्त परिणामी राशि सदिश होती है तो इसे सदिश राशियों का सदिश गुणनफल कहते हैं। सदिश राशियों का सदिश गुणनफल कहते हैं। अब सदिश गुणनफल कहते हैं तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि सदिश राशियों का, जैसे हम लोगों ने अदिश राशियों के बारे में पढ़ा था, वैसे हम लोग कुछ सदिश राशियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सदिश राशियों के बारे में इसके गुणा करने की कितनी विधियां हैं या सदिश राशियों का ये एन कैप कैसे निकालते हैं, तो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल ज्ञात करने की विधियां, तो विधियां में मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक दाएं हाथ की हथेली का नियम, और दूसरा है दक्षिणावर्त पेंच का नियम। बेटा पॉपुलर ज्यादा यही है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दक्षिणावर्त पेंच का नियम हम लोग बहुत कम यूज करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा। यहां पे जैसे इस एन कैप की दिशा प्राप्त करनी है तो इन दोनों नियम से प्राप्त करेंगे। एक्चुअल में एन कैप की दिशा होती क्या है? ए क्रॉस बी की दिशा एन कैप की दिशा होती है। अगर दो सदिश राशियां ए और बी हैं तो उनका जब क्रॉस लेंगे तो जो ए की दिशा में ना होगा एन, ना बी की दिशा में एन होगा, ए क्रॉस बी की दिशा में एन कैप होगा। एन कैप क्या है बेटा? एकांक सदिश। एकांक सदिश हमने बता दिया है वह सदिश राशि जिसका परिमाण एकांक होता है। तो अगर इसमें एक से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या था कि ये पूरा अदिश है और ये इधर सदिश है तो इसको सही करने के लिए हमने एन कैप से गुणा कर दिया। अदिश को सदिश बनाने के लिए इसमें दिशा वाले सदिश से गुणा कर दिया तो ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू एक है तो एक से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये दिशा प्रदर्शित करने लगेगा तो दिशा किधर होगी इसकी? तो ए क्रॉस बी की दिशा में होगी। अब ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए। तो हमारे पास दो नियम है, दाएं हाथ की हथेली का नियम और दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो उसमें भी हम लोग पहला डिस्कशन करने जा रहे हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? दाएं हाथ की हथेली का नियम।
ओके तो देखिएगा, जैसे ये कोई तल है, इसमें ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और चारों उंगलियां परस्पर लंबवत हों। कैसे फैलाना बेटा, कि अंगूठा और चारों उंगलियां परस्पर लंबवत हों। तो अब क्या करना है, प्रथम सदिश की दिशा में चारों उंगलियां ले जाएं और द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़ें, तो अंगूठा उसके परिणामी को प्रदर्शित करेगा। फिर से अपने दाहिने हाथ के चारों उंगलियों और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत हो। देखिए इनके बीच का 90 डिग्री कोण है, परस्पर लंबवत हो। अब दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की दिशा में ले जाएं और प्रथम सदिश से किधर की ओर मोड़े, द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़े, तो उनके लंबवत अंगूठा उनके परिणामी को प्रदर्शित करेगा। तो मान लो एक सदिश राशि ऐसे है और इधर आना है तो इधर मोड़ना पड़ेगा, तो अंगूठा ऊपर। मान लो ये प्रथम सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, ऐसे प्रथम सदिश कौन सा है बेटा, ये, और दूसरा सदिश ये है, तो प्रथम सदिश की दिशा में चारों उंगलियां ले जाओ और द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़ो, तो अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है, तो दिशा इसकी नीचे हो गई। लेकिन अगर प्रथम सदिश इधर होता, द्वितीय सदिश इधर होता, तो चारों उंगलियां ऐसे ले जाते, इधर मोड़ देते, तो अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित करता। तो देखिएगा, प्रथम सदिश इधर है और इसके बीच का कोण कितना है, थीटा, तो प्रथम सदिश की दिशा में ले जाए और द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़े, तो अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित करेगा। तो एक्चुअल में ये कॉपी है बेटा, कॉपी को समझ लो कि ऐसे रख दिया गया है। तो अब हमारे पास मजबूरी है कि हम इसको बोर्ड पे ऐसे दिखाना हमको पड़ रहा है, जैसे देखिए ऐसे दिखा रहे हैं ऐसे, जबकि ये है एक्चुअल में ऐसे। तो इस पे देखिए दो सदिश ऐसे रखे हैं, ऐसा कुछ रखा है, दो सदिश ये हमने जो आपको दिखाया है, ये दो सदिश दर्शाए बेटा। ओके, अब क्या करना है, प्रथम सदिश की दिशा में चारों उंगलियां ले जाना है, द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़ना है, तो अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित करेगा। अब ऐसे ही देख लीजिए, यहां भी प्रथम सदिश की दिशा में ले जाए चारों उंगलियां को और द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़े, तो अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित कर रहा है। तो बोर्ड पे ऐसे तो बना नहीं सकते, तो इसको ऊपर दिखा दीजिए। ये बात समझ में आई क्या, तो ये परिणामी को प्रदर्शित करेगा, तो ये एन कैप। तो एन कैप देखो, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो बाहर है वही तो एन कैप है। तो एन कैप की दिशा ना तो ए की दिशा होती है ना बी की दिशा होती है, वो ए क्रॉस बी की दिशा होती है। ऐसे ही सेम डिट्टो क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए, अगर यहां पे ये होता बी और ये होता ए, और हमको ऐसे कहते कि बी क्रॉस ए ले लीजिए, ये थीटा है, बी क्रॉस ए ले लीजिए, तो बी के दिशा में चारों उंगलियां ले जाइए, ए की दिशा में मोड़िए, तो अंदर जा रहा है अंगूठा ना, अंदर जा रहा है का मतलब इसमें नीचे दिखेगा। तो इसमें नीचे दिखाने का तरीका देखिए, ये एन कैप, लेकिन अब दिशा नीचे की ओर है, तो यहां पे माइनस एन कैप लिख दीजिए, यहां पे अगर प्लस एन कैप लिखा है तो यहां पे माइनस एन कैप लिख दीजिए। देखिए अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन क्या है, ए से बी की तरफ गए हैं तो ए क्रॉस बी, तो ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, और दिशा क्या है बेटा एन कैप, ठीक। और इसमें ए क्रॉस बी लिखेंगे तो बी क्रॉस ए, सॉरी बी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, बी का परिमाण ए का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप, ये हो जाएगा बेटा। ओके, तो ये हो गया दाएं हाथ की हथेली का नियम। फिर से कैसे बोलेंगे परिभाषा, अपने दाहिने हाथ की चारों उंगलियों तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर लंबवत हो। अब चारों उंगलियों को प्रथम सदिश की दिशा में ले जाएं तथा द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़े, तो अंगूठा उनके लंबवत परिणामी को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। राइट हैंड कर्ल रूल, कर्ल माने होता है मोड़ना, तो राइट हैंड कर्ल रूल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये दाहिने हाथ की हथेली का नियम हो गया बेटा। अब दक्षिणावर्त पेच का नियम देख लीजिए,
दूसरा क्या है, दक्षिणावर्त पेच का नियम। इसको देखिएगा, सेम डिट्टो है, बस खाली सा थोड़ा सा वैल्यू बदल गई है। ये एक्चुअल में मैक्सवेल ने दिया था, तो इसलिए ये रूल दूसरा है और वो रूल दूसरा है। तो देखिए अब क्या करें, सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में एक पेचकस की कल्पना करें। जैसे आप ऐसे सोचिए, पेचकस ऐसे होता है ना, ये सपोज पेचकस। तो अपने दाहिने हाथ में पेचकस की कल्पना करें, तो अगर आप ऐसे कस रहे होते हैं तो ये अंदर जा रहा है, तो देखिए अंगूठा नीचे की तरफ है, तो अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित करेगा। और अगर आप पेच को बाहर निकाल रहे हैं तो पेच बाहर आ रहा है, तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, तो ये उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो फिर से अपने दाहिने हाथ में पेचकस की कल्पना करें, तथा उसके घुमाने पर जो पेच के अंदर जाने की दिशा या पेच के बाहर आने की दिशा, अंगूठा होगा और वो उसके परिणामी को प्रदर्शित करेगा, वो उन दोनों सदिशों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। फिर से अपने दाहिने हाथ में पेचकस की कल्पना करें और उसको इस प्रकार घुमाएं कि पेच का पेच अंदर जाए या पेच बाहर आए, तो पेच के अंदर जाने या बाहर जाने की दिशा अंगूठे की दिशा होगी, जो कि परिणामी को प्रदर्शित करेगी। पेच के अंदर जाने की दिशा या पेच के बाहर आने की दिशा परिणामी को प्रदर्शित करेगी, और यही अंगूठे की दिशा होगी। तो कुल मिला के अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित करेगा। तो देखिएगा बी क्रॉस ए, तो ऐसे आप पेच घुमा रहे हैं तो मतलब पेच बाहर आ रहा है, ऐसे करेंगे तो पेच बाहर आएगा ना बेटा, तो पेच बाहर आएगा। तो यहां पे ऐसे सोचिए कि एक पेचकस है, सॉरी पेचकस मतलब होगा तो ऐसे ही ना पेचकस, तो ये पेचकस है। अब ऐसे करने पे पेचकस बाहर आ रहा है, तो ये जो बाहर आने की दिशा है वो इसके परिणामी को प्रदर्शित करेगी, और इसमें देखिए ऐसे घुमाने पे पेच अंदर जा रहा है, तो पेच तो ऐसा ही बनेगा बेटा। यहां पे थोड़ी दूर तक डॉटेड है, तो देखिएगा अब ये पेच है बेटा। तो अब देखिएगा बी क्रॉस ए मतलब पेच अंदर जा रहा है, तो पेच के अंदर जाने की दिशा इसके परिणामी को प्रदर्शित करेगी बेटा। तो तल में अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है, तो हमने ऐसे तीर से प्रदर्शित कर दिया कि ये अंदर जा रहा है। या फिर अगर ऊपर से ही कस रहे हो बाई चांस, नीचे से तो कसेंगे नहीं, अगर ऊपर से ही पेच कस रहे हो ऐसे सोचिए, तो ऐसे हो अगर बाई चांस, अगर हम नीचे से कस के दिखाया आपको, ऐसे ऊपर से ही कस रहे हो, तो ये भी चित्र आप सोच सकते हैं। तो अब की बार पेच किधर जा रहा होगा बेटा, पेच अंदर जा रहा है। देखिए ए क्रॉस बी में, सॉरी बी क्रॉस ए में पेच अंदर जा रहा है, तो ये पेच किधर जा रहा है, अंदर, तो ये एन कैप की दिशा होगी, लेकिन यहां पे अंदर जा रहा है, दिशा विपरीत है, तो इसलिए माइनस एन कैप की दिशा ये होगी। तो ये है दाहिने हाथ के पेचकस का नियम। दोनों नियम एक ही जैसा है बेटा, तो इसलिए आपको दाहिने हाथ की हथेली का नियम याद रखना है, वही हम लोग बार बार यूज करेंगे, ये तो सिर्फ एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए हमने बता दिया। या फिर कहीं आप ऐसा देखो कि अरे सर हमको तो एक जगह ऐसा बताया था आपने नहीं बताया, तो इसलिए बता दिया बेटा। तो देखिएगा आप अगर ये चीज सीख चुके हैं आप, तो इसके कुछ गुणधर्म पढ़ लीजिए, सदिश राशियों के सदिश गुणनफल संबंधी गुणधर्म, संबंधी गुणधर्म, सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमेय नहीं होता, सदिश राशियों का सदिश गुणनफल
क्रम विनिमेय नहीं होता। कहने का मतलब है देखिए, ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप आएगा, ऐसे ही बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप माइनस एन कैप आएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस आगे आ गया, परिमाण है तो ए बी साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं एन कैप। तो ये ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप क्या है बेटा, ए क्रॉस बी, तो माइनस रहने दीजिए और इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी। तो ये रिजल्ट क्या आता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स माइनस बी क्रॉस ए। तो ये दोनों आप देखिए ये बराबर है, परंतु ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो ये क्रम विनिमेय तो यही होता है कि ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के इक्वल होता तो इसको हम क्रम विनिमेय कहते, तो ये क्रम विनिमेय नहीं होता। सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमेय नहीं होता। अब इसके बाद देख लीजिएगा कि अगर हम इसमें समांतर सदिशों का, अच्छा इसके एक तो तरीका ये है जो हमने ये आपके सामने प्रदर्शित किया है कि अगर आपने ए और बी ऐसे लिया है, ये थीटा है, तो ए क्रॉस बी बाहर की ओर है तो इसमें ये दिशा एन कैप की दिशा हो गई, और इसके लिए अगर चित्र बनाए तो ये चित्र ऐसे है बेटा, ये है बी, ये है ए, ये थीटा है, तो बी क्रॉस ए ले रहे हैं, तो देखो बी क्रॉस ए दिशा अंदर की ओर है तो ये माइनस एन कैप। तो ये एक चित्र है, चित्र द्वारा इसको समझाया गया, अभी हमने बताया था। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, देखिए यही डिट्टो चित्र है, ए बी है ये, तो ए क्रॉस बी अगर आप कहें सेकंड मेथड है बेटा, ये क्या बताने जा रहे हैं, इसी में सेकंड मेथड, ऐसे भी आपको किताबों में लिखा दिख सकता है। तो ए क्रॉस बी बाहर की ओर है, मतलब इसकी दिशा क्या है बेटा, एन कैप की ओर है, ये एन कैप होगा, ठीक। अब इसमें दूसरा जो चित्र है वो देखिएगा, ये ए क्रॉस बी है, तो ये क्या है बेटा, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये हो गया। अब यहां पे देख लीजिएगा, ये बी अभी रहने दीजिए और ये अभी रहने दीजिए। अब हम लोग कह रहे हैं कि कोई जरूरी है कि हम बी क्रॉस ए ऐसे ही लें, बी क्रॉस ए ऐसे भी तो ले सकते हैं, बी से घुमाना शुरू करिए और ए तक घुमाते हुए आइए, मतलब हथेली को घुमाना शुरू करिए यहां से तो यहां तक आइए, ऐसे भी तो बी क्रॉस ए ले सकते हैं बेटा, ये तो शॉर्टकट तरीका बी क्रॉस ए। लेकिन ऐसे अगर कोई कह रहा है तो बी क्रॉस ए यहां तक आएंगे, तो अगर ये थीटा है बेटा तो ये बचा वाला कोण क्या हो जाएगा, टू पाई माइनस थीटा। तो अगर बी क्रॉस ए ऐसे कोई लेता है बी क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी का परिमाण ए का परिमाण और साइन और जहां से जितना घुमाए हो वो कोण, तो टू पाई माइनस थीटा। अब ये बी क्रॉस ए अगर लेंगे बेटा, देखो बी क्रॉस ए लेंगे तो दिशा अभी भी बाहर की ओर होगी, तो दिशा को एन कैप बाहर की ओर प्रदर्शित कर दिया है एन कैप, ठीक, तो दिशा अभी भी क्या लिख देंगे, एन कैप लिख देंगे। अब इसको देखना, बी का परिमाण ए का परिमाण इंटू साइन 360 माइनस थीटा, अगर ये चतुर्थांश वाला आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग सिखाएंगे। तो 360 का मतलब ये पूरा चक्कर लग गया, माइनस थीटा का मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में आप वापस आ गए, तो चतुर्थ में साइन निगेटिव होता है और 2 पाई अगर है तो साइन साइन ही रह जाता है, तो माइनस साइन थीटा इसका आंसर आ जाएगा इंटू एन कैप। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बी, बी ए लिख दो या ए बी लिख दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अच्छा इसकी जगह आप ए क्रॉस बी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी, तो आप देख सकते हैं ये भी दूसरा तरीका प्रूव करने का कि बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल्स ए क्रॉस बी, ये सेकेंड तरीका है। ये एक सिंपल तरीका था, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन यूज किया है जब हमने एन कैप की दिशा नहीं बदली है, जैसे ऐसे ए क्रॉस बी एन कैप बाहर की ओर
तो बी क्रॉस बी से चलना शुरू करो और ए की तरफ जाओ, ये भी तो एक तरीका है। तो अब कोण कितना लेना पड़ेगा, 2π - θ। ये अगर समझ में आ गया हो तो इनमें से दोनों में से कोई एक तरीका आपको दिमाग में बिठा लेना है बेटा। अब इसके बाद देखिएगा, अब ऐसे समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल देखेंगे। क्या देखने वाले बेटा, समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल का मतलब, अगर एक सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है और इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0° है, तो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, तो ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन 0, थीटा कितना है 0°, एन कैप, तो ये कितना आ गया बेटा 0। तो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। तो इसमें तुल्य निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुल्य क्या होता, जब ये भी ये होता ये भी ये होता तो वो भी आ जाएगा ए क्रॉस ए साइन 0, तो वो भी 0 आ जाता। तो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो एकांक समांतर सदिशों आई कैप क्रॉस आई कैप ले लीजिए, मतलब ये पहला भी आई कैप है उसी की दिशा में दूसरा, तो ये वैसे इसको भी क्या कहोगे, आई कैप का परिमाण इंटू साइन 0, साइन 0 इंटू एन कैप, तो ये क्या हो गया, एक एक और साइन 0 0 हो गया, तो ये पूरा 0। तो यहां से ऐसे कह सकते हैं कि आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, ये कितना होता है बेटा 0 होता है। ऐसे ही माइनस आई क्रॉस माइनस आई या माइनस आई क्रॉस आई माइनस आई क्रॉस आई, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस आई क्रॉस माइनस आई, इसी तरह से जे वाले में भी देख सकते हैं, ये सब 0 होंगे बेटा। तो आई देखो क्यों 0 होंगे, आई प्रथम सदिश की दिशा में ले गए और द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़ोगे कैसे, तो उसका दिशा तो कोई बता ही नहीं पाओगे, वही दिशा हो जाएगी, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया, तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के 0 होगा। ये समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल है, तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल है ये, सॉरी एकांक सदिशों का, एकांक समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल। और तुल्य का हमने बताया है कि उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुल्य सदिश में एक पहला सदिश होना चाहिए और दूसरा सदिश भी क्या होना चाहिए एक, तो वही आ जाएगा थीटा 0 है, तो एक क्रॉस एक क्या आ जाएगा, ए का परिमाण इंटू साइन 0, तो 0 का ये 0 ही हो गया, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये थोड़ा सा अच्छा भी है। तो लंबवत सदिशों का गुणनफल, अगर एक सदिश ए है एक सदिश बी है और उनके बीच का थीटा 90° है, तो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा ए बी इंटू एन कैप। तो ए क्रॉस बी उनके परिमाण के तो गुणनफल के बराबर होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, ए क्रॉस बी की दिशा जो एन कैप की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है बेटा, वो एन कैप की दिशा क्या है, ए क्रॉस बी की दिशा। और ये एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल देख लीजिए, एकांक लंबवत सदिश, तो आई क्रॉस जे आपको बता रखा है, इसको करने का तरीका है, ऐसे सोचिए ये पहला सदिश मान लीजिए आई है इस दिशा में, जे है इस दिशा में, के इस दिशा में, आई ये है जे ये है के ये है, तो इसको अभी आप यूज करके देखते हैं ऐसा, इसको 3D में पहले समझने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे तो तुरंत हो जाएगा। तो देखिए, अब दाहिने हाथ की हथेली का नियम आपको सिखा दिया, अब दाहिने हाथ की हथेली का नियम यूज करना है आपको। देखिएगा, ये ऐसे लंबवत है तीनों, ये वाई ये एक्स और ये जेड, तो आई मतलब एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप लेते हैं, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप लेते हैं और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के कैप लेते हैं। फिर से एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, तो माइनस एक्स अक्ष की दिशा में माइनस आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप, तो माइनस वाई अक्ष की दिशा में माइनस जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के कैप, तो माइनस जेड की दिशा में एकांक सदिश
माइनस के कैप। अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब प्रथम सदिश की दिशा में चारों उंगलियां ले जाए और द्वितीय सदिश जे ऊपर है ना, द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़े तो अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित करेगा, मतलब के कैप की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बेटा, के कैप। ऐसे जे क्रॉस के निकाल सकते हैं आप, जे क्रॉस के, तो जे की दिशा में चार उंगलियां ले जाए, के की दिशा में मोड़े तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, परिणामी को, तो ये आई आ जाएगा, के क्रॉस आई। के क्रॉस आई देखिए, के की दिशा में चार उंगलियां ले जाए, आई की दिशा में मोड़े, उधर मोड़ना है बेटा, तो ऐसे हथेली को कर नहीं सकते, दूसरे सदिश की दिशा में हथेली को करिए, तो प्रथम सदिश की दिशा में ले जाए और दूसरे सदिश की दिशा में आई, वो सॉरी के क्रॉस आई, तो किधर जा रहा है अंगूठा, जे कैप, तो ये जे कैप। अच्छा, इसको बहुत लोग इस वाले जुगाड़ से बता देते हैं, ये हमको भी आता है, आप ऐसा ना सोचिएगा सबको नहीं आता है, ये वाला वाला आई कैप जे कैप के कैप, तो आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया, फिर के क्रॉस आई जे हो गया, तो इसमें ये आंसर तो बताना इजी होता है बेटा, लेकिन ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई क्रॉस माइनस जे हो जाओ, ऐसे में दिक्कत आएगी। तो आई की दिशा में चारों उंगलियां ले जाओ, माइनस जे किधर होगा बेटा, नीचे, माइनस जे किधर होगा, नीचे, तो आई क्रॉस माइनस जे, तो अंगूठा किधर जा रहा है, माइनस के की ओर, तो ये आई क्रॉस माइनस जे, माइनस आई क्रॉस माइनस जे माइनस के हो जाएगा। इस पे एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर और डिटेल समझना है तो। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिर इसका अगला पोर्शन क्या है, अगर सदिश राशियों का सदिश गुणनफल कार्तीय घटकों के रूप में, अब किस रूप में पढ़ना बेटा, कार्तीय घटकों के रूप में, अगर a वेक्टर है वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे ही b वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका a क्रॉस b लेना है, तो एक तो तरीका जो आप जानते हैं a क्रॉस b लिखने का वो ये वाला है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का फिर से क्रॉस ले लीजिए, किससे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमने इस तरह से डॉट वाला बताया था। अब क्या करो, इसका इससे गुणा कर दो, फिर इसका उससे गुणा कर दो, उससे गुणा कर दो, तो ए एक्स बी एक्स आई का क्रॉस लेना है आई के साथ, आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स का गुणा कर दो बी वाई के साथ, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर ए एक्स का गुणा कर दो बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, फिर ऐसे इसका गुणा कर देंगे इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके 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 साथ, तो इसमें देखिएगा कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये आई क्रॉस आई तो जीरो हो गया, तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आई क्रॉस जे क्या आएगा, के, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के, तो इसका आंसर आएगा ए एक्स बी वाई के कैप। फिर आई क्रॉस के, आई की दिशा में ले जाओ, आई की दिशा में ले जाओ, के की दिशा में मोड़ो, तो अंगूठा माइनस जे की दिशा में जा रहा है, तो प्लस ए एक्स बी जेड माइनस के कैप माइनस जे कैप, तो ऐसे करके ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा बेटा। अभी तो आपने ये इसका इससे गुणा किया है, इसका भी तो इन तीनों से करोगे तो इसमें प्लस करके लिखोगे, इसका भी इन तीनों में करोगे तो इस तरह से प्लस करके लिखोगे, तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तब तो इसको इस वे से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरह से तो संभव भी नहीं है कि आप इस तरह से आसानी से कर पाए। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो डिटर्मिनेंट मेथड है बेटा, तो डिटर्मिनेंट मेथड मैथ में आप पढ़ते हैं सारणिक विधि, इसको मैथ में क्या कहते हैं बेटा, सारणिक विधि,
तो हम उसी तरीके से सिखाने जा रहे हैं आपको। इसको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले से प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, तो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर ये ए वेक्टर है, ये ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है, और बी वेक्टर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप है बेटा, तो इनका ए क्रॉस बी लेना है। ए क्रॉस बी ले लीजिए, तो ए क्रॉस बी ऐसे लिखना है, दो लाइन खींचनी है समांतर। अब इसके बाद यहां आई जे के है, तो यहां लिख दीजिए आई जे और के। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां मिस्टेक होती है बेटा, ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाला लिखिए, तो ए के सामने आई के साथ क्या है बेटा ए एक्स, जे के साथ क्या है ए वाई, के साथ क्या है ए जेड। ऐसे आप बी वाला लिखिए, अगर ए वाला लिख चुके हैं तो बी वाला देखिए आई के साथ बी एक्स, जे के साथ बी वाई और इसके साथ बी जेड। तो इसमें आप तरीका क्या है देखिएगा, इसको सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। तो इसको सबसे पहले तो आई लिख दीजिए। अब आई लिखने के बाद दो लाइन जो आपकी हैं, इधर देखिएगा इन दोनों लाइन को जो लंबवत है परस्पर आई के साथ, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, इसको आप धर दीजिए ऐसे, तो बचेगा क्या बेटा ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, यही बचेगा। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, करने का तरीका क्या है ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे और माइनस नीचे से ऊपर, ये बाद में ऐसे, तो पहले ऊपर से नीचे गुणा कर दीजिए, माइनस नीचे से ऊपर का गुणा कर दीजिए, ये तरीका है। तो इसके सामने लगा दीजिए प्लस, फिर देखिए इन दोनों को ढक लीजिए, फिर बचा क्या, ये चारों बचे तो ऊपर से नीचे ए वाई का बी जेड, लेकिन तिरछा गुणा करना है, ए वाई का किससे गुणा कर दीजिए बी जेड से, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट में तक ए वाई बी जेड, माइनस लगा दीजिए फिर नीचे से ऊपर जाइए तो बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड। ये करने का तरीका सिखा रहे हैं बेटा आपको। अब देखिए अगर ये वाला कर चुके हैं तो फिर क्या करना है, इधर देखिए अब यहां प्लस था ना, तो अब की बार माइनस जे लिखिए, यहां प्लस आई कैप था तो माइनस जे कैप लिखना है, फिर ब्रैकेट बना देना है, फिर देखिए अब जे वाली लाइन ढक लीजिए और ये वाली, तो बचा क्या ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड। तो अब देखिए फिर से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे तो ए एक्स बी जेड, क्या आ गया बेटा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। देखो ऐसे बीच वाली जे वाली लाइन ढकनी है क्योंकि ये जे लिखा है, तो जे वाली लाइन ढकी तो किसमें ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड माइनस के साथ, माइनस बी एक्स ए जेड, ये हो गया बेटा। अब उसके बाद ये लिखा आपने माइनस सॉरी प्लस माइनस, तो फिर लिख दीजिए प्लस के कैप, ये फॉर्मूला जैसा समझ लीजिए बेटा, जो उतना लंबा था ये देखने में आपको पहली बार लंबा लगेगा लेकिन बहुत सिंपल हो जाएगा अभी आप एक दो बार करेंगे जैसे ही। तो अब देखिएगा बेटा प्लस के कैप का मतलब ये लाइन तो ढकनी है और इसको भी ढक लेना है, तो अब बचेगा क्या ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो ए एक्स का गुणा करिए बी वाई से, तो क्या आ जाएगा बेटा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, पहले ऊपर से नीचे माइनस, देखो ए एक्स बी वाई ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो बी वाई ए एक्स सॉरी बी एक्स ए वाई, ये आपका फॉर्मूला बना। एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको अपने मन से फिर से मिटाइए और लिखने की कोशिश करिए। अब हम आपको टास्क देते हैं, ये वाला लिखिए, यहां पे आपको लिखना है, इसको वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा बेटा, यहां पे लिखना है आपको बी क्रॉस ए। अच्छा दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, नहीं तो टेंशन ले लो कि सर वो तो मैच नहीं कर रहा है, इसका जो ये है वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद आप
दूसरा वाला देखिएगा, बी क्रॉस है, जल्दी से खुद से निकालिए बेटा। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अगर वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए तो बी वाला पहले लिखना है इस बार। क्या लिखना है पहले? बी वाला, ये गलती हो जाती है बेटा कई बार। तो बी एक्स बी वाई बी जेड, और फिर ए लिखना है तो ए एक्स ए वाई ए जेड। अब फिर से आई वाली लाइन ढक लीजिए, आई लिखिए, आई वाली लाइन ढक लीजिए, और ये वाली लाइन और ये वाली लंबवत लाइन ढक लीजिए। क्या बचा? बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड माइनस लगा दीजिए। फिर क्या बचा? ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, फिर यहां प्लस आई था तो अब की बार क्या लिखेंगे बेटा? माइनस जे। क्या लिखेंगे? माइनस जे। अब जे वाली लाइन ढकी और ये आई जे के वाली ढक लीजिए। बचा क्या? बी एक्स ए जेड। क्या बचा बेटा? बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स का ए जेड से किए तो फिर किसका करना है? ए एक्स का बी जेड से, ए एक्स बी जेड, ये हो गया बेटा। तो जे वाली लाइन लिख लिया तो प्लस आई माइनस जे प्लस ए। देखो प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस चलेगा। अब देखिए के कैप वाला लाइन ढक लीजिए इधर ऐसे, तो अब देखिए बचा क्या? बी एक्स ए वाई। क्या बचा बेटा? बी एक्स ए वाई माइनस लगा दीजिए, बी एक्स ए वाई माइनस ए वाई ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई। अब आप अपने आंसर से मैच कराइए, देखिए आपका आंसर यही आ रहा है। अगर ये आंसर आपका आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि इस टॉपिक को सीख चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस पे बेस्ड दो चार न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्म पे डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए।